गुड मॉर्निंग गूगल, अभी सुबह के ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, 6:55 हो गए हैं। तो कल मैं आलो आया था इटानगर से, आज मैं मेचुका जा रहा हूँ। इट्स 4 आवर जर्नी, सो विथ ब्रेक इट्स विल बी 5 आवर। सो वेदर इज प्रीटी एंड गुड। चलिए अब चलते हैं। यस, मेचुका। मेचुका इधर से जाएगा? मेचुका मेचुका, ओके ओके, थैंक यू। वेदर इज सो प्रीटी, इट्स कोल्ड बट नॉट एज मच आई एम फीलिंग because I'm wearing jacket, so pleasant weather. I took a very good rest and fully energized. अब रोड तो ऐसा ही है इधर मेचुका जाने का। वेदर अच्छा है, ज़्यादा घंटे का जर्नी नहीं है। इट्स या इट्स 4 आवर, होपिंग यू कैन रीच अर्ली सो आई कैन एक्सप्लोर ऑन द वे। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा रिवर सब है, रिवर एंड व्यू, नेचुरल व्यू, सो विल गो ना एक्सप्लोर दैट वन। वाह, इज अ गुड रोड। आगे जाके रोड खराब है, तो धूप तो निकली नहीं है। इट्स नॉट गोना रेन बट ये अभी धूप निकली नहीं, उजाला तो हो गया है। आई सपोज टू बिलीव अर्ली 6 o'clock बट 5:36 में निकलने से एक्सप्लोर करने का टाइम ज़्यादा मिलता। इट्स ओके, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है तो नाइस प्लेजेंट वेदर। आगे देखिए मेरे साइड में माउंटेन, इट्स सो प्रीटी। मेरे राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में, सो प्रीटी। आलू इज ऑलमोस्ट लाइक ए वैली, इज नॉट माउंटेन। आलू मीन्स अलोंग, आई थिंक इट्स अराउंड 140-150 किलोमीटर। द रोड्स आर लाइक दैट as the hotel people said. Even I inquiry with somebody, one guy from the local Aalo, so unhone bataya ki to yeah 30-40 kilometer are really off road, dirt road, and rest of is okay. So today ride will be on road, off road, dirt road, everything, so mixed ride. मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो आपको ये आपको इसमें जस्ता लगाया हुआ है, टीन का जस्ता, लेकिन ट्रेडिशनल हाउस तो जैसे वो है आगे आपको, ये इधर मेरे राइट साइड में भी मिलेगा, ये साइड में भी आपको, तो इधर लगता है पेडिलियन होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा है इधर पर। ये सारा हाउस है, ये ऑल द हाउसेस, ये सब ट्रेडिशनल हाउस है। बाय। जैसे कि आपको एक दिखाता हूँ, जैसे कि ये है ना, तो सभी विलेज में अपना अपना गेट बनाया रहता है और डेकोरेट किया जाता है, मतलब गेट बनाया हुआ है केन्स, मतलब प्लेस का नेम है ये। चाय लगता है क्या? चाय है क्या? चाय नहीं, चाय 12 बजे में मिलेगा। 12 बजे
अच्छा बाजार मार्केट में, ओके 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 ओके, हाँ मैं तो मार्केट से आगे आ गया था। पूरा कुहासा है यार, पूरा कुहासा हो गया, जगह जगह रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद ये लैंडस्लाइड हुआ होगा इधर या कटिंग करके बड़ा बनाया है ये रोड। ऑलमोस्ट 3 आवर, यदि मैं ब्रेक नहीं लेता हूँ तो 3 आवर में मैं पहुँच जाऊँगा। आई विल टेक ए वन स्मॉल ब्रेक। आई विल शो यू द वाटरफॉल, जायंट वाटरफॉल, it's a big waterfall, wow, so pretty, so beautiful, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यही तो पहाड़ों का मज़ा है, झरना, रिवर, वाटरफॉल, ये सब देख के तो मज़ा आता है। अभी एक टाटा सुमो का ड्राइवर था, उन्होंने बताया कि रास्ता क्लोज होने वाला है, तो मैं सोचा था एक ब्रेक लेगा, ब्रेक नहीं ले पाया, वो झरना का सीन लिया, तो अब रास्ता क्लोज होने वाला है तो जल्दी से निकल जाता हूँ। ओके बाय। वाओ ये पानी, पूरा लैंडस्लाइड गया है, शायद ये लैंडस्लाइड भी गया इधर नीचे का, मेरे राइट साइड का लैंडस्लाइड होके चला गया और लेफ्ट साइड में उसको कटिंग करके फिर रास्ता बनाया जा रहा है, तो रास्ता बंद होने वाला है बोला है, अब कहाँ से बंद होगा नहीं पता। वो 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 डेंजर रास्ता, ये कटिंग कर रहा है, लैंडस्लाइड है, कटिंग है, रोड एक्सटेंड कर रहा है, पूरा ये रास्ता बनाया जा रहा है कट करके, न्यू रोड, क्योंकि इधर से आपका चाइना बॉर्डर है ना, तो आर्मी व्हीकल के लिए तो बड़ा रास्ता चाहिए, तो इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है। जो भी रिलेटेड जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं न्यूज देखता हूँ उसके अनुसार, चाइना बॉर्डर जिधर जिधर है उधर रोड एक्सपेंशन का काम इट्स गोइंग ऑन वेरी फास्ट ट्रैक, इट्स वेरी स्पीड में जा रहा, बहुत ज़्यादा स्पीड पे जा रही है, जैसे सिक्किम में भी बना रहा है, इधर भी है, तवांग के साइड में भी है, सो एवरीवेयर द रोड कंस्ट्रक्शन, ये देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर लोग है काम कर रहे हैं। रास्ता तो अच्छा नहीं बोल सकते, इतना ठीक है चलता है, कल का रास्ता बहुत ख़राब था आलू का, मतलब आलू मीन्स आलो, अब 2 घंटे बचे हुए हैं, 2 घंटे 10 मिनट, तो लाजमी एक ब्रेक लूँगा मैं, तो 3 घंटा मान के चलिए,
chips. ये लेज. हाँ लेज. ओके. कितना तो लेगा? एक लेगा अभी खा के जाएगा ना. हाँ भी मेरे पास जगह नहीं रहता ना रखने का. जहाँ मिला खाया तो. इसका कितना? ओके. अभी ईटानगर से कल आज कल आलो में था आज इधर आया. नहीं मैं अकेला ही है तो. अकेला ही है तो. हाँ होगा होगा. ये लो. ये लो. वेलकम. सो विल टेक ए स्मॉल ब्रेक. इधर आपको अच्छा है. इधर एक छोटा ब्रेक लेता हूँ. ये सब विलेज ही है. मतलब इस टाइप से ही आपको घर होता है नॉर्मली. मैंने बताया था बांस और बांस ये तो बांस का पत्ता रहता है और कुछ झाड़ का पत्ता रहता है तो वुड इट लाइक दैट. सो ब्यूटीफुल माउंटेन. अभी 100 किलोमीटर बाकी है जाने का. अभी चलता हूँ. इधर एक ब्रेक लिया अब चलने का है. बैटरी भी चेंज करूँगा अभी. एंड देन जैसा मैंने बताया सो ये सारा विलेज का ही गांव है. इस रुपये लिया था. ये बच्चा लोग देखो तो इधर देखो देखो आ रहा कैमरा में. आ गया आ गया. मेचुका 89 किलोमीटर. सो 89 मतलब 85 मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर. एक ब्रेक तो बीच में बनेगा तो 12 12:30 तक शायद पहुंच जाए या लेट हुआ तो 1 बजे तक. आई थिंक अब 1.5 घंटा जितना होगा. ये देखिए व्यू क्या मस्त है. ऐसा तो कितना पहाड़ इस तरह का कितना पहाड़ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं. ऊपर नीचे करके. ये देखिए कुदरत का नज़ारा. बहुत ही अच्छा वाटरफॉल है ये. आप देख सकते हैं ये. चलिए मैं आपको क्लोज से दिखाता हूँ. सो ब्यूटीफुल मैन सो ब्यूटीफुल. वाव सो लवली. अमेजिंग मैन अमेजिंग. बारिश में तो और ज़्यादा बड़ा होता होगा ये. बारिश में तो और भी बड़ा होता होगा. सो प्रिटी. बहुत ऊपर से आ रहा है ये. वाओ लाइक दिस. ये वादियाँ देखो भाई. ये वादियाँ लुक सो प्रिटी. बहुत ही सुंदर लग रहा है. अभी धूप निकली भी है इधर. सो ब्यूटीफुल. ब्रदर मेचुका इधर से जाएगा कि उधर से जाएगा? हाँ ओके ओके थैंक यू. मट्टी खाली कर रहा है तो.
10 मिनट चली गई। पूरा रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर। वाह, ये रोड का हाल है इधर यार, सो बैड, टू मच हिली यार, पूरा कीचड़ है, कीचड़ है, कीचड़ है। कम ऑन बीजे, कम ऑन। यस, ये देखिए पहाड़ों को काट काट के रास्ता बनाया गया, सो लवली। ये आगे जो पानी आ रही थी अभी तक रास्ता में आ गया पानी। ये रास्ता को काट के बनाई है, पानी है नीचे। ये लैंडस्लाइड जोन है, फिर लैंडस्लाइड हुआ है, रोड भी एक्सपेंड किया जा रहा है, आगे ब्रिज बन रही है। 35-36 किलोमीटर ऐसा ही होगा, क्योंकि अभी तो मोर देन 10 किलोमीटर से ज़्यादा, 15 किलोमीटर बोल सकते हैं, अभी ऐसा ही रोड से आ रहा हूँ। तो एक्सपेक्टिंग अनदर 30-35 किलोमीटर। तो ये ब्रिज बन रही है, वो 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 लॉस ऑफ मड मैन, लॉट्स ऑफ मड, या लॉट्स ऑफ मड, यस यस यस, या बहुत ज़्यादा कीचड़ थी यार, बहुत ज़्यादा। पूरा खराब रास्ता है यार, देखो ये कितना मट्टी है, कीचड़ ही कीचड़ है। सो ब्यूटीफुल रिवर, ये बहुत ही सुंदर है, और नीचे गांव भी है, 2-3 घर है, तो ये रास्ता बनाया गया नीचे जाने के लिए। मेरा लोड नहीं होता तो मैं भी नीचे जाता, लेकिन यदि नीचे चला गया ऊपर नहीं आ सका तो प्रॉब्लम होगी। वेरी वेरी डेंजर रोड, पूरा कीचड़ है यार, फंस जाता है मेरा बाइक, बढ़ता नहीं है, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। अब ये डिसीजन लेना दिक्कत होता है कि किधर से जाऊँ किधर से निकलूँ। ये देख, हाफ हाफ फीट तक कीचड़ है ये, ओ माय गुडनेस, ये तो बहुत ज्यादा कीचड़ है यार। कम ऑन विजय, कम ऑन, वो इट वाज वेरी वेरी टफ टाइम मैन, ऐसा मैं तो निकाल के आया, लेकिन आगे कैसे जाएगा। इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के भरोसे। पूरा पानी और मिट्टी भी बहुत ज्यादा था उसमें,
In the name of God. Just ride. We don't know about the road. We don't know about anything this way. बस भगवान के भरोसे. ये देखिए मिथुन है अरुणाचल का राष्ट्रीय एनिमल. पिग. मैं पिग दिखाने की कोशिश करता हूँ. ये पिग. ये बस 6-7 किलोमीटर है. ये जो क्रॉस करने के बाद जो है आपको मेचुका आ जाएगा. तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लग गई. 3 बजे के आसपास पहुँचूँगा. 3:15. तो इधर एक ब्रेक लिया हूँ मतलब पाँव हाथ सीधा करने के लिए. और तो चला जाए आप. चलिए आपको नदी दिखाता हूँ. रिवर. I'm showing you river. Yes. मैं ये रिवर देखने के लिए इधर आया हूँ. नीचे पानी में तो जाएगा नहीं, दूर से दिखाएगा आपको. ओह इट्स कोल्ड मैन. सो प्रिटी. ये रिवर बहुत ही अच्छा लग रहा है. थोड़ा रोड से नीचे आना पड़ता है इसके लिए. ये देखिए ब्यूटी ऑफ मेचुका. ये घर है कि होम स्टे है पता नहीं. मेचुका. वेलकम टू मेचुका. प्लेन है मतलब इस एरिया को वैली ही बोला जाता है. क्योंकि ये माउंटेन के बीच में है तो ठंड तो है इधर. पता नहीं स्नोफॉल हुई बताया है कि स्नोफॉल हुआ. टाउन इधर आगे है. टाउन सिटी. मुझे पेट्रोल लेना है तो इधर है. ओह यहाँ से घुमा लेता है. आपको ठंड नहीं लगता क्या? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से. ओके थैंक यू.
Mechuka. First I have to get the fuel. Oh, it's raining, man. It's not raining, glistening, bunda bundi ho rahi hai. Sirf barish nahi ho, barish hone se to phir. Mechuka, welcome to Mechuka. Competition. अब मेचुका टाउन में एंट्री कर चुके हैं. सबसे पहले मुझे पेट्रोल पंप खोजना है क्योंकि मुझे मेरे बाइक में पेट्रोल टंक डालना है. इधर पेट्रोल डिपो किधर है? वो आगे जाके. ओके ओके, थैंक यू. एज वी नो दैट मेचुका इज ए वैली. ये एक वैली है, मतलब चारों तरफ पहाड़ से ये घेरा हुआ एक बंग वैली है. इट्स रियली सो ब्यूटीफुल. आई एम फीलिंग कोल्ड ऑल्सो. एंड पेट्रोल पंप देख रहा हूँ, सबसे पहले मैं पेट्रोल लंग डालूंगा. वाओ, मेचुका टाउन इज सो ब्यूटीफुल यार. इट्स वेरी नीट एंड क्लीन एंड आई जस्ट टुक ए वन राउंड ही एंड वेरी आई मीन सिस्टमेटिक वे. इट्स सो लवली. इट्स रियली प्रीटी प्लेस. ये मुझे मेचुका तो आपको तवांग से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये वैली है और इट्स वेरी नीट एंड क्लीन एंड एवरीथिंग. इट्स सो लवली प्लेस यार. मेरा मेचुका का राइड ईटानगर से बहुत ही अच्छा रहा और आलोंग में रुका. एंड दिस इज माई सेकेंड पार्ट. सो एंड नेक्स्ट बंगा पार्ट गाइज यू आर गोइंग टू वॉच लाइक मेचुका टाउन टूर एज वेल एज द साइट सीन एंड सम गोम्पा. और जो भी है मुझे दिखाने का मैं आपको दिखाता हूँ. और जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है. एक देने में कुछ भी नहीं जाता. चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट राइड में. तब तक के लिए मुझे विदा दे. टेक केयर. बाय बाय. सवा खेर. खुदा हाफिज़.